हेलो 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 करो हमारे व्यूअर्स को। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आपका अपने चैनल पर जो है वो स्वागत करता हूं। और ये देखिए कितना सुंदर बनी खेत है। ऑन द वे टू मणिमहेश कैलाश यात्रा जो है वो हमारी शुरू हो चुकी है और फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। ये देखिए जब आप डलहौजी जाएँ ना तो ये बनी खेत में हम जरूर रुकें, 5 मिनट के लिए रुकें चाहे 10 मिनट के लिए रुकें। और ऊपर देखिए कितने सुंदर जो है व्यू, देखिए आप कितना सुंदर व्यू है। तो जब जाएं आप यहाँ से चाय पी के जाएं, तो आइए अब आपको जो है वो चाय की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए आप वादियाँ और वहाँ पे जो है सामने मणिमहेश कैलाश का लंगर लगा हुआ है। तो अगर आपने रुकना वगैरह भी है तो वहाँ पे होटल का भी इंतजाम है, आपको 500 रुपीज़ में जो है वो अच्छा सा एक रात को स्टे के लिए होटल भी मिल जाएगा। ये देखिए ये हाईवे है, उधर को चंबा को निकलते हैं और इधर को जो है ये हाईवे चंडीगढ़ को निकलता है। है गए, है गए। तो आइए जो है अब आपको एक गर्मा गर्म चाय ऑर्डर करते हैं। और ये देखिए आपको एक लोकल डॉगी से मिलाते हैं। हेलो 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 करो हमारे व्यूअर्स को। ये देखिए कितना प्यारा पपी, ये देखिए शानदार नज़ारा, ठंडा मौसम है यहाँ पे। मम्मी हेलो बोल दो व्यूअर्स को। हेलो। और ये देखिए बैठो, दूध से पत्ती पीने लगी भैया, एक दूध में पत्ती बना दो, दूध में पत्ती हाँ बना देते हैं, अदरक डाल देना बीच में, ठीक है हाँ। और मैं तो यहाँ से जो है आइसक्रीम खाऊंगा एक अच्छी सी, पहले मैं देख लूँ कौन सी वाली है। क्रीम बेल की आइसक्रीम है हाँ, अच्छी बनाएंगे तो फिर दोबारा भी आप रुकेंगे हाँ, ठीक है हाँ। और ये देखिए कितना, मम्मी पीछे बैठ दे भैया, वो प्लेट उठा देना पीछे से थोड़ा। चाय दो बनानी सर? एक चाय, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, ठीक है सर। तो आप कभी भी जब यहाँ पे बनी खेत में, अभी आपका क्या नाम है थोड़ा बताना हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल राणा सर। तो जब भी आप आए ना तो श्यामलाल राणा की शॉप आपको बनी खेत हाईवे के ऊपर ही आपको इसकी शॉप मिलेगी। मैगी बनाते हो भैया, चाय, आइसक्रीम, चाय, परोठा, कॉफी, ओके। तो जो भी लेना हो आपने आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, पनीर परोठा, आलू परोठा। और देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा आ रहा है, सारा बनी खेत है ना, यहाँ से आपको सारा बनी खेत दिखाई देगा। वो देखिए ऊपर बादल हैं, मतलब वहाँ पे भी स्काई है, ऊपर भी काले घनी आपको छाएं दिखाई देगी। और अभी दिन के आप मानेंगे नहीं, दोपहर के एक बजे हैं और यहाँ पे पूरा ठंडा मौसम है। और थोड़ा सा आपको जो है वो आगे वॉक अराउंड की तरफ लेके जाता हूँ, आपको हाईवे दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखिए हाईवे, चंबा भरमौर का हाईवे, कितना सुंदर हाईवे है। तो कभी आप जब डलहौजी जाएं, खजियार जाएं, चंबा जाएं, तो रास्ते में 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पे रुकें। वैसे तो मैंने तो यहाँ पे रूम ही बुक करवा रखा है बस स्टैंड के पास, क्योंकि चंबा से ज़्यादा ठंडा जो है ना वो बनी खेत है। चंबा थोड़ा गर्म है लेकिन बनी खेत में आपको धुंध और बारिश हल्की हल्की मिलती ही मिलती है, चाहे जून का मंथ हो चाहे जुलाई हो, यहाँ पर आपको बारिश मिलेगी ही मिलेगी। ये देखिए हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है ना वो शुरू हो गई है। ये देखिए तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रोहित अर्पणा कन्फेक्शन, यहाँ पे श्यामलाल जी हैं। तो कभी आप आएँ तो यहाँ पे जरूर रुकें, चाय की चुस्की, आइसक्रीम या कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर खा के निकलें। भैया आइसक्रीम कौन कौन सी आपके पास? आइसक्रीम सर क्रीम बेल है, ये दूसरी है राजबाड़ी है। क्रीम बेल की कौन सी है? ओरिजिनल क्रीम बेल है ना ये? नाम केसरी है सर, रसमलाई। क्रीम बेल की चाहिए? क्रीम बेल की मिल जाएगी सर, एक क्रीम बेल है सर ये वाली, ये क्रीम बेल। और कौन सी आपके पास? बड़ी लाल वगैरह की नहीं है? ये वो भी सर, ये वाली, ये भी क्रीम बेल ही है ना? ये वाली क्रीम बेल का माल है जी। बस ठीक है जी सर, इसको खोल दो जरा। सब कुछ मिलता है जी हमारे पास, जो मर्जी खाओगे आप। तो ये देखिए आज आपको जो है हम क्रीम बेल की, श्यामलाल भैया की चोकोबार टेस्ट करवाएंगे। और यहाँ पर बैठने की जगह भी है, यहाँ पे आप पीछे बैठ के बढ़िया सा जो है व्यू देखिए आप कितना अच्छा। यहाँ पे मौसम अच्छा रहता है ना? बिल्कुल सर, 12 महीने ऐसे मौसम। हाँ, सातवीं बार आया हूँ मैं यहाँ पे, ठंडा मौसम रहता सर। ये चोकोबार है कौन सी? चोकोबार सर, बढ़िया। चलो टेस्ट करते हैं कैसी है, अगर तो ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर फेंक देंगे। और क्या,
नाइस। ये देखिए आप वीडियो का आनंद लीजिए, क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, आइसक्रीम खा लो। तो वीडियो से ज़रूर जुड़ें, चैनल से ज़रूर जुड़ें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। मणिमहेश की यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है, अब एपिसोड वाइज आपको जब वो यात्रा करवाएंगे भरमौर के, कल हमारा स्टे जो है वो भरमौर है, उसके बाद हम यात्रा शुरू कर देंगे। इस बार मम्मा साथ में है तो उन्हें थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है घुटने में, तो हमारा जो है इस बार चॉपर का प्लान है कि इस बार पहली बार जो है चॉपर में हमारा प्लान है मणिमहेश जाने का। तो जो भी है आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे। यात्रा जो है वो आरंभ हो चुकी है, कल छोटा स्नान है क्योंकि कल जन्माष्टमी भी है, तो और मौसम भी ऊपर बिल्कुल साफ़ है, मणि के जो दर्शन है वो साफ़ हो रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा रूम है बनी खेत में, जो है हम अपने होटल में पहुँच चुके हैं द वाइट क्लाउड। ये प्रॉपर्टी हमें 2000 रुपीज़ में रूम पड़ा है, और ये इस तरह से जो है रूम की बालकनी से आप व्यू देखिए, कितना शानदार व्यू है। ये देखिए यहाँ पर आपको चेयर्स मिलेंगी और यहाँ से आपको ठंडी ठंडी हवा का नज़ारा मिलेगा। तो आप जब बनी खेत आएँ तो यहाँ पर पूरा बाजार है बनी खेत का, और वो रास्ता जो है वो सामने डलहौजी है। यहाँ से मात्र 15-20 मिनट का रास्ता डलहौजी का है, और आधा घंटा से लेके 45 मिनट का रास्ता जो है वो खजियार का है। तो इस तरह से जब आप बनी खेत आएँ, अगर आप रुकना चाहें तो आप इस होटल में रुक सकते हैं। यहाँ पर 2000 का रूम सबसे प्रीमियम रूम ये है, और 1500 रुपये में फ्रंट का रूम है, पर 1000 रुपीज़ में एक बिल्कुल नीचे बेसमेंट में जो है वो रूम बेसमेंट में है। तो इस तरह की काफ़ी बड़ी पर्सनल आपका स्पेस आपको मिलता है यहाँ पे। मदर जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, और आपको वॉशरूम वगैरह ये सामने आपको कपबोर्ड दिखाई देंगे, और ये इनका जो है वो वॉशरूम है। ये देखिए इनका काफ़ी लग्जरियस जो है वो वॉशरूम आपको दिखाई देगा। ये देखिए सो इस तरह से आप जब बने खेत आएँ, यहाँ पे आपको LCD लगी हुई है, दो चेयर्स हैं, और ब्लैंकेट आपको दिया हुआ है रेस्ट करने के लिए। और अगर आप ये देखिए हमने फ़ैन फ़िलहाल ऑफ़ किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो बालकनी से काफ़ी ठंडी हवा जो है अंदर आती है। सो इस तरह से ये हमारा जो है, अगर आप डलहौजी जा रहे हैं तो बनी खेत अगर आप रुकते हैं, डलहौजी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, डलहौजी से ये बिल्कुल चंबा भी यहाँ से जो है वो 1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो बनी खेत एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से आप चंबा, डलहौजी और खजियार जा सकते हैं। तो ये देखिए ठंडा है, ये 12 महीने यहाँ पे ठंड आपको ऐसी ही मिलेगी, हल्की हल्की बारिश आपको मिलेगी, रात को ब्लैंकेट लेना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे इतनी ठंड हो जाती है। तो चैनल से जुड़े दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जो है वो ज़रूर करें।